खबर पलामू से, जहां गरीबों को छत देने के लिए झारखंड में शुरू किए गए अब वो आवास में घोटाले की खबर सामने आ रही है। पलामू जिले के मनातू प्रखंड में दर्जनों लाभुकों ने मुखिया, उपमुखिया और आपको बता दें कि पंचायत सेवक पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। देखिए एक रिपोर्ट। 30,000 निकाले ने, जैसे ही पैसा डलाया तो बोले जोगिंदर तुरी की 5,000 पैसा दीजिए, बांटना है हम लोग के, मुखिया के देना है। अच्छा, ये जोगेंद्र तुरी कहाँ है? यहाँ के, यहाँ के डुमरी की मुखिया, उप मुखिया है। हाँ, 5,000 दिए। आए पंचायत सेवक तो बोले कि हाँ, फोटो उठने खींचने के लिए आए तो बोले कि सुरमा देवी से पैसा वैसा निकल गया तो नाश्ता पानी नहीं कराइएगा। था हम लोग बोल दिए सचाए, कहाँ सर से हम लोग तो अधिक दे दिए हैं। प्रीति भाई बोला थोड़ा सा, जोगिंदर तुरी दे दिए हैं। कौन पैसा मांग रहा है? उप मुखिया मांग रहा था 5,000 रुपया मेरा। कौन है उप मुखिया? जोगिंदर तुरी। आप पंचायत सेवक साहब भी मांगते हैं? पंचायत सेवक तो बोल रहा था कि हमारा पैसा चाहिए। कितना? तो बोला थे के ई मांग रहा है अलग, वो मांग रहा है अलग। तो पंचायत सेवक कितना मांग रहे हैं? वो तो मांग रहा, वो तो दियो बीचे बोल रहा 5,000 रुपया चाहिए मेरा। तो जैसा कि आपने सुना कि अबू आवास के नाम पर उप मुखिया और पंचायत सेवक गरीब ग्रामीणों से 5,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। ये सभी ग्रामीण मनातू के पटरिया गांव के रहने वाले हैं। पंचायत सेवक हम नहीं दिए हैं, डंडा जिंदर तुरे दिए हैं। कितना कि मन की पंचायत सेवक के हम दे देंगे? कितना? 4,000 दिए हैं। ये है पंचायत सेवक के नाम जानते हैं? पंचायत सेवक के नाम काची है, हमारा नाम नहीं जानते। पैसे लेने का आरोप पंचायत सेवक पर लगा। जब हमने इस मामले में DDC से पूछा तो उन्होंने जांच कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की बात कही। मनातू प्रखंड के डुमरी पंचायत में कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है पैसे की डिमांड की जा रही है अब आवास योजना के लाभों से। खुद पे हम लोग संज्ञान ले चुके हैं और एक कमेटी बना के जो है हम वहाँ पर जाँच कराएंगे। जाँच में जिस प्रकार से प्रतिवेदन प्राप्त होगा उस हिसाब से हम लोग जो है संबंधित दोषियों पे जो भी धाराएं हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। अब तक गरीब ग्रामीणों को मात्र 30,000 रुपए ही मिले हैं, लेकिन उस पर बिचौलिए हावी हैं। ऐसे में वे आवास पर ही सवाल उठा रहे हैं। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत में बिचौलियों द्वारा अबुआ आवास के लाभुकों से पैसे की उगाही की जा रही है। अबुआ आवास के लाभुकों द्वारा इसके विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन बिचौलियों द्वारा धमकी दी जा रही है और पैसे की मांग की जा रही है। कई लाभुक तो बिचौलियों को 5,000 से 10,000 रुपए भी दिए हैं और पैसे की डिमांड की जा रही है। पलामू से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।